इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन, किसी चार्ज के सराउंडिंग में वो रीजन जहां पर किसी दूसरे चार्ज को लाने पर वह फोर्स फील करे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो किसी चार्ज के सराउंडिंग में वो रीजन जहां पर कोई दूसरा चार्ज अगर लाया जाए तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो, दिस रीजन दिस फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर सपोज कर लीजिए हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन होगा, एक ऐसा रीजन होगा जहां पर किसी दूसरे चार्ज को अगर आप लाएंगे तो इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, इस रीजन को हम बोलेंगे आप, यानी ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रीजन ही क्या कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन है जहां पर फोर्स लगता है। क्यों फोर्स लगता है, तो कहा सपोज कर लीजिए अगर आप एक दूसरा चार्ज यहां पर क्यू1 लाए और इस चार्ज के कारण भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सपोज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज के कारण, अगर इस चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ और इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ये दोनों एक दूसरे से क्या कर गए, ओवरलैप कर गए। यानी फोर्स कब जनरेट होगा, कहां पर फोर्स लगेगा, तो कहा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या करती है ओवरलैप करती है। यानी तो चार्ज से चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा माना जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, इस चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी। तो कहा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओवरलैप करती है तो उस केस में वहां पर फोर्स अप्लाई होता है, यानी इस रीजन के अंदर फोर्स अप्लाई होगा। अब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी अगर एक एक करके आप स्टडी करने की सोचें तो पहली प्रॉपर्टी आपके दिमाग में आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, पहली कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स न तो सर्कुलर होती है, न तो रेक्टेंगुलर होती है, न तो स्क्वायर होती है। कैसी होती है, तो कहा किसी चार्ज के चारों तरफ स्फेरिकल होती है। स्फेरिकल का सेंस आप समझ रहे हैं कि अगर ये चार्ज है तो आपके पास ये आपको दिखाई गई है कि ये चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मतलब ये है क्या कि इस टू डायमेंशन ही नहीं है, इधर भी है, इसके पीछे भी, इधर भी, इधर भी है। ये जो सर्कल दिख रहा है वो सर्कल बेसिकली है नहीं, वो क्या है एक स्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर किसी चार्ज से जनरेट होती है तो वो हमेशा एक स्फीयर के फॉर्म में होती है। पॉइंट नंबर टू, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या प्रॉपर्टी दूसरी हो सकती है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस स्पीड से चलती है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्पीड होती है 3×10⁻¹ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहले तो क्या स्फेरिकल होती है, थ्री डायमेंशन में होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्पीड कितनी है, 3×10⁻¹ मीटर पर सेकेंड। थर्ड प्रॉपर्टी अगर आप देखने की कोशिश करें तो थर्ड प्रॉपर्टी ये हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंजर्वेटिव होती है, या ये फोर्स कंजर्वेटिव होता है। तो आप कंजर्वेटिव का यहां क्या मतलब लगाएंगे, तो कंजर्वेटिव आप पहले अपनी क्लास में पहले पढ़ चुके हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब ये हुआ कि अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाए, अगर किसी चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है, लेकिन अगर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स उस चार्ज के मूवमेंट के पाथ में डिपेंड करता है, उस पाथ से क्या हो फ्री हो, तो आप बोलेंगे कि ये कंजर्वेटिव हुई। यानी अगर यहां पर आपने एक चार्ज लाया तो चार्ज को आप इधर ले गए, इधर ले गए, इधर ले गए, वापस यहां तक पहुंचाए, यानी एक पाथ ये हुआ और एक पाथ सीधा हुआ। तो कहा कि इस पाथ से उसका कोई लेना देना ना हो तो हम बोलेंगे कि ये कंजर्वेटिव हुई। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की जो बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसमें एक आपने कह दिया कि ये थ्री डायमेंशनल होती है, यानी स्फेरिकल होती है, इनकी स्पीड 3×10⁻¹ मीटर पर सेकेंड होती है। थर्ड आपने कह दिया कि ये कंजर्वेटिव होती है। इस तरीके से किसी चार्ज के सराउंडिंग में वो फील्ड जहां पर दूसरे चार्ज को लाया जाए तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो, दिस फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड।